साइंस स्ट्रक्चर्स इंडिया एसएसआई फूड कार्ड्स एक नई दिशा। साथियों ओम साई राम, मैं नरेश मदान साइंस स्ट्रक्चर्स इंडिया यानी एसएसआई फूड कार्ड्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और लेकर चलता हूं आपको एक नए सफर नई दिशा की ओर। साथियों एसएसआई फूड कार्ड स्ट्रीट वेंडिंग बिजनेस में एक बहुत ही पुराना नाम है। हम आपके पास स्ट्रीट फूड से रिलेटेड नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आते रहते हैं और आपको नई दिशा नई रोशनी दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा है? आज का हमारा बिजनेस आइडिया है बारबेक्यू। साथियों अगर आप बारबेक्यू का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। आने वाले कुछ दिनों में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा और इस बिजनेस का सीजन पीक पर होगा। अगर आप भी इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं या स्ट्रीट फूड बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में जगह जगह आपके काम की जानकारी छुपी हुई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। बारबेक्यू के लिए हमने कई तरह की कार्ड्स बनाई। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ कार्ड्स दिखाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा, इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। साथियों मैं कोई बिजनेस एडवाइजर नहीं हूँ, मेरा प्रयास आपको छोटी छोटी जानकारी देकर आपको इस बिजनेस में उत्साहित करने का रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अदरवाइज ना तो मैं कोई शेफ हूँ और ना ही कोई बिजनेस एडवाइजर, एक छोटा सा आम इंसान हूँ मैं। मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। देखा, ये अक्षीराज का नाम अभी मैंने सोचा नहीं है, अगर आपके दिमाग में कोई नाम आए तो कमेंट जरूर कीजिए। धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए। ये हमारे लिए किसी भी कार्ड पे जहाँ पहुँच नहीं पाते वहाँ पे इनको भेज दिया जाएगा। इनके पास कैमरा भी है और इनके पास माइक्रोफोन भी है, कहीं भी जाके मेरे से बात करा देंगे और हमारा वीडियो लाइव भी चलता रहेगा। बहुत अच्छा लगेगा। ये बिजनेस थोड़ा सा स्किल जरूर है मगर इतना टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जितने भी मैं स्ट्रीट फूड बिजनेस बताता हूँ सभी प्रॉफिटेबल होते हैं। यकीन नहीं हो रहा मुझे भी, पहली बार है ना। मगर ये भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन करता है। अगर आप फूडी हैं और मेहनत भी कर सकते हैं तो ये बिजनेस आपके काम का है, अदरवाइज आप वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। तो चलिए आपको लेकर चलता हूं इस बिजनेस की ओर। हमारे द्वारा बनाई गई ई रिक्शा पर इस बिजनेस का सेटअप बारी बारी करके मैं आपको दिखाता हूं। मजा आ रहा है ना? साथ साथ इस बिजनेस के बारे में, इसकी डिशेस के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते चलेंगे। सफर ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए कोशिश करूंगा कि शॉर्टकट में जल्दी जल्दी दिखाऊं सारी चीजें। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं हंगर जोन। ई रिक्शा पर बनाई गई ये कार्ड बहुत ही जबरदस्त है। लाल और नीले रंग की ब्रांडिंग इस पर खूब जम रही है। इसके टेबल टॉप पर एक बर्नर, एक डीप फ्रायर और साथ में एक स्लाइडिंग ग्रिलर दिया गया है। रात के अंधेरे में खड़ी हुई ये कार्ड देखिए दूर से ही अपनी रोशनी की वजह से जगमगा रही है, दूर से ही अपनी उपस्थिति बता रही है। इस कार्ड की खासियत देखने के लिए पक्षीराज की सहायता ली जाए। चलिए पक्षीराज जी चुपचाप इनकी कार्ड पे जाकर थोड़ा सा हमें दिखाइए ऊपर से क्या सीन है। चल झूठा। चिकन में इन्होंने विंग्स और टंगड़ी कबाब के लिए अपनी स्पेशलिटी बना रखी है। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, खासकर विंग्स का, और उसके अलावा जो ये क्रीम वाली टंगड़ी बनाते हैं लोग उसको खाने के लिए दूर दूर से इनके पास आते हैं। पक्षीराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप वापिस आ जाइए कृपया करके। अगर आपको पक्षीराज का काम पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। बारबेक्यू कार्ड, बारबेक्यू के लिए बनाई गई साइकिल रिक्शा पर यह कार्ड भी बहुत यूजफुल है। इसमें एक शोरबा मशीन और साथ में एक सिकड़ी टेबल टॉप के ऊपर दी गई है जिसमें बारबेक्यू का अच्छा खासा काम किया जा सकता है। चटनी प्याज के लिए छोटे जीएन पैन। साइकिल होने से इसको मूव करना थोड़ा सा आसान रहता है कंपैरेटिव टू हैंड पुश कार्ड। परफेक्ट। स्पीडी ईट्स 6x3 की हैंड पुश कार्ड जिसमें एक शर्मा मशीन और साथ में एक तवा स्लाइड। येलो कलर की इको विनाइल प्रिंट्स लेमिनेटेड कार्ड के चारों तरफ लगाई गई है। उसके अलावा एक शर्मा मशीन, दो डीप फ्रायर और साथ में एक स्लाइडिंग बर्नर जिसमें तवा रखा जा सके के, और साथ साथ छोटे जीएन पैन अलग अलग कामों के लिए। ओपनएबल फ्लैप्स विद लॉकिंग अरेंजमेंट और शोरबा मशीन के आगे मेन्यू लगाया गया है जिससे इस कार्ड की रही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। अब बारी है रोल्स के लिए एक छोटी ट्राइसिकल का। इस ट्राइसिकल की खासियत ये है कि इसके टेबल टॉप पर एक सीकड़ी के लिए बारबेक्यू दिया है और साथ में एक बर्नर तवा के लिए। दोनों टेबल टॉप के ऊपर एक सिंगल आदमी इस पर काम करेगा और रोल्स भी बनाएगा और जो ग्रिलर है उस पर भी सीख लगाकर तैयार किए जाएंगे। इसमें स्लाइड करके छोटे जीएन पैन दिए गए हैं जो कि चटनी प्याज और बाकी चीजों के लिए काम आएंगे। कम बजट वालों के लिए ये कार्ट बहुत ही कारगर साबित होती है। इस कार्ट के बारे में आपकी क्या राय है और अभी तक मैंने आपको जितनी भी कार्ट दिखाई हैं किसी का भी प्राइस जानने के लिए मुझे स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको प्राइस बता दूं। एक छोटी सी कहानी दिखाता हूं आपको, इसमें देखिए कितना बड़ा मोटिवेशन छुपा है। ये छोटा सा वीडियो जीवन का सार है। लाइफ में कभी भी बहुत जल्दी जश्न मनाना शुरू ना करें और लाइफ में कभी भी बहुत जल्दी हार मानना शुरू ना करें। जीत आपकी हो सकती है। रिक्शा पर ही बनाई गई एक और बारबेक्यू कार्ट, इसमें भी एक शोरमा मशीन और साथ के साथ एक ग्रिलर टेबल टॉप के ऊपर। इसमें एक इंसुलेटेड कंटेनर दिया गया है जिसमें कि आप अपने सामान ठंडा रख पाएंगे और इसकी साइकिल के साथ हमने मोटर अटैच कर दी जिससे कि ये ई रिक्शा की तरह दौड़ती है। मस्का मस्का। ये देखिए एक छोटा बारबेक्यू के औसत, इसको रेल के इंजन की तरह हमने एक स्ट्रक्चर बना के बारबेक्यू का रूप लिया। फ्रंट साइड में जो इंजन है उसमें एक हमने सीकड़ी लगाई है और इसके पीछे केबिन में एक तवा। सीख कबाब टिक्का सीकड़ी में बनाया जा सकता है और उसके अलावा ग्रेवी वाली आइटम तवा में, और तवे का काम अगर चल जाए तो उससे अच्छा काम नहीं होता। रेल का इंजन देखने के लिए लोग जरूर आएंगे और उसी के साथ अगर आपके खाने का टेस्ट अच्छा है तो आपकी समझ लो लॉटरी निकल गई। क्या ख्याल है आपका? ऐसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी कार्ड शुरुआती तौर पर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, उसके बाद तो अल्टीमेटली आपका टेस्ट और आपका बिहेवियर ही काम आता है जो कि कस्टमर को दोबारा वापस खींच कर लाता है। अभी बहुत सारी कार्ड्स बची हुई हैं और बहुत सारे बारबेक्यू के टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कस करें, अगर छोटा छोटा भी डिस्कस करें तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक अभी इस वीडियो के एक दो भाग और बनाने पड़ेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।